नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स पर हमारा स्पेशल बुलेटिन हेल्थ एंड फिटनेस। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या को ठीक रखना बहुत जरूरी माना जाता है। हमारी कुछ आदतें कई प्रकार से सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ के कारण गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं यहां तक कि मौत का भी खतरा हो सकता है। धूम्रपान ऐसी ही एक समस्या है। अध्ययनकर्ताओं की टीम ने पाया कि धूम्रपान की आदत न सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही इससे हृदय रोग और कैंसर का भी खतरा काफी बढ़ जाता है। धूम्रपान करने वाले लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि अन्य लोगों की तुलना में ऐसे लोगों में असमय मौत का जोखिम भी अधिक हो सकता है। CDC के आंकड़ों के मुताबिक सिगरेट के कारण होने वाली बीमारियों के कारण अमेरिका में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। हर 5 में से एक की मौत इसी प्रमुख कारण के तौर पर होती है। फेफड़ों के कैंसर के 90% मामलों के लिए सिगरेट को ही प्रमुख कारण माना जाता रहा है। महिला पुरुष दोनों के लिए ही सिगरेट बड़ा जोखिम कारक है। श्वसन रोगों के अलावा शरीर के कई अन्य हिस्सों पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। धूम्रपान फेफड़ों के साथ पूरे हृदय प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सिगरेट में पाया जाने वाला निकोटीन रक्त वाहिकाओं में संकुचन का कारण बनता है, जो रक्त के प्रवाह को बाधित करने वाली स्थिति हो सकती है। समय के साथ ये रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने के साथ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का कारण बन सकता है। धूम्रपान करने वाले लोगों में फेफड़ों के अलावा पेट के कैंसर का भी खतरा अधिक हो सकता है। इसके अलावा शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि धूम्रपान करने वाले लोगों के मुंह में गले, स्वर यंत्र और अन्य प्रणाली के कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान करने वालों में अग्नाशय के कैंसर की दर भी अधिक देखी जाती है। धूम्रपान नकारात्मक रूप से इंसुलिन संवेदनशीलता को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण डायबिटीज की जटिलताओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं धूम्रपान करने वाले लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा ये संक्रमण की जटिलताओं को बढ़ाने वाली स्थिति भी हो सकती है। तो आज ही धूम्रपान को कहें बाय बाय और अपनाए हेल्दी लाइफस्टाइल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।